जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का वर्ल्ड अपडेट्स में। मैं हूं शशांक लगेरा। दोस्तों 6 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला किया गया था और ये हमास के जंग का ऐलान था। ये दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसी दिन 50 साल पहले भी इजराइल पर अटैक हो चुका है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है, वैसे तो इस विवाद को समझने के लिए 4,500 साल पुराना इतिहास समझना होगा, लेकिन इसका मेन रीज़न है 36 एकड़ ज़मीन जो कि ज्यूइस, क्रिश्चियन, इस्लाम तीनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसका एक रीज़न ये भी है कि इसराइल गाजा से स्वीज कैनाल के अल्टरनेटिव को जो है डेवलप करना चाहता है। स्वीज कैनाल से इजिप्ट को अच्छा खासा पैसा जो है जनरेट होता है, लेकिन इसराइल को इससे कोई खास फायदा नहीं होता। इंडिया, यूएसए, फ्रांस और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज इसराइल को इस वॉर में सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों इसराइल हमास वॉर को लेके रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि गाजा में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनको 48 घंटों में जो है बंद कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों हमारे लिए ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार ये इसराइल हमास वॉर क्या है और आखिरकार क्यों इसराइल गाजा में अपनी डोमिनेंस जो है बनाना चाहता है। आज के इस वीडियो में हम इसराइल हमास वॉर के रीजंस को इन डेप्थ जो है जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसराइल हमास वॉर को समझने के लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री को जो है समझना होगा। 1933 में जब हिटलर डिक्टेटर बन गया जर्मनी का, तो उसने एक एंटी ज्यूइश लॉ जो है पास किया जो कि नस्लवाद यानी कि रेसिज्म पे बेस्ड था, जिसके चलते वर्ल्ड वॉर टू के समय यानी कि 1941 से 45 के बीच में यूरोपियन ज्यूस का बहुत ज्यादा जो है जेनोसाइड किया गया। रिपोर्ट्स के हिसाब से 6 मिलियन ज्यूस को जो है मार दिया गया जो कि उस समय यूरोपियन ज्यूस पॉपुलेशन का 2/3 थे। जब ज्यूस को ये लगा कि अब हमारी जान खतरे में है तो वो पैलेस्टीन की तरफ भागे जो कि उनकी होमलैंड थी, और 14 मई 1948 को ब्रिटिश मैंडेट को टर्मिनेट करके डेविड बेन गुरियन ने स्टेट ऑफ इसराइल की जो है स्थापना करी। आज इसराइल पैलेस्टीन कुछ ऐसा दिखता है। 1947 से अभी तक के मैप में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसराइल अपनी टेरिटरीज को जो है एक्सपांड कर रहा है और पैलेस्टीन का मैप छोटा होता जा रहा है। आज पैलेस्टीन आपको दो पार्ट में जो है नजर आएगा, एक पार्ट जो है गाजा स्ट्रिप है और एक पार्ट है पैलेस्टीन। गाजा स्ट्रिप जो कि अपनी बॉर्डर इसराइल, इजिप्ट और मेडिटेरियन सी से जो है शेयर करता है। गाजा स्ट्रिप को 2007 से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है कंट्रोल कर रही है जिसका नाम है हमास। हमास को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन और कई सारे देशों ने टेररिस्ट जो है घोषित करके रखा हुआ है। लेकिन आखिरकार ये हमास है क्या? व्हाट इज हमास? हमास जिसका ऑफिशियल नेम द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हमास की शुरुआत 1987 में हुई थी। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेव पैलेस्टीन फ्रॉम इजराइल। इसके अलावा ये पूरे इजराइल को पैलेस्टीन का पार्ट बताते हैं। दोस्तों अगर हम 1987 से अभी तक हमास के अटैक की बात करें तो 90 अटैक जो है हो चुके हैं। ये छोटा सा देश सिर्फ टेररिज्म के लिए जाना जाता है। इसराइल ने इनकी मिसाइल से बचने के लिए खुद का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसके अलावा इसराइल काफी एडवांस देश है। इसराइल ने अपने बचाव के लिए कई सारे वेपन्स तैयार करके रखे हुए हैं। 2012 में जब हमास ने इसराइल पर मिसाइल से अटैक किया था तब 80% तक जो रॉकेट हैं वो आयरन डोम ने जो है इंटरसेप्ट कर दिए थे और उन्होंने हवा में ही जो है इन सब रॉकेट्स को मार गिराया था। लेकिन अभी जो अटैक हुआ वो 1973 की जो है याद दिलाता है। ये अटैक 1973 योम किप्पू वॉर की याद दिलाता है। उस समय ये वॉर इसराइल ने सराउंडिंग नेशन से लड़ी थी। इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर अटैक कर दिया था। दोस्तों ये दिन ज्यूस के लिए और जुडेजियम में बहुत ज्यादा महत्व जो है रखता है। योम कुपुर एक पर्व है जहाँ पे योम का मतलब होता है दिन और किपुर का मतलब होता है अपना प्रायश्चित। योम कुपुर एक पर्व है, ये बहुत ही पवित्र दिन है। इसे डे ऑफ अटोनमेंट भी कहा जाता है जिसका अर्थ है पश्चाताप का दिन। दोस्तों आज तक इसराइल ने कई वॉर लड़ी हैं और हर वॉर को जीता है। हमास ने इस अटैक को नाम दिया है अल अक्सा स्टॉर्म। अल अक्सा ये है जेरूसलम में, वर्ल्ड की सबसे होलीएस्ट प्लेस में से एक। ये प्लेस जुडेज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इन तीनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। हमास ये कहता है इसराइली आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास जो है वायलेंस करती हैं। हर बार इसराइली फोर्सेस पैलेस्टीनियंस को मॉस्क के आसपास मार देती हैं। हमास ये कहता है कि वेस्ट बैंक में इसराइल फोर्सेस का क्या काम है, जबकि इसराइल कहता है कि वो मिलिटेंट्स को पकड़ने जाते हैं तो उनपे पत्थर फेंके जाते हैं। ये मुद्दा पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है। लेकिन दोस्तों एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि गाजा तो इसराइल से घिरा हुआ है,
फिर भी उसके पास 5000 रॉकेट और एम्युनेशन कहां से आ रहे हैं। एक डेटा तो ये कहता है कि ईरान हमास को एम्युनेशन जो है प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा यूएसए ह्यूमैनिटेरियन एड भी जो है प्रोवाइड करता है, जिसे हमास लोगों के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एम्युनेशन खरीदने में जो है खर्च करता है। इसके अलावा रिसेंटली यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने भी ये कंफर्म किया है कि ईरान जो है हमेशा से ही हमास को वेपनरी जो है प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमास ज्यादातर वेपन्स को स्मगल करता है और ब्लैक मार्केट से जो है परचेज करता है। दोस्तों अगर हम आज हम इसराइल और पैलेस्टीन को कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली इसराइल बहुत ज़्यादा आगे है। इसराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करके रखा हुआ है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जब पहला मोबाइल फ़ोन मोटोरोला ने बनाया तो वो भी जो है इसराइल में डेवलप हुआ था। दोस्तों अगर आप ज्यूइश पीपल्स को भी देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी आपको एक अलग पहचान जो है देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो इसराइल को बिल्कुल यहां पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसराइल जो है अपने आप को डिफेंड कर रहा है। हमास ने इस वॉर की जो है शुरुआत करी थी और अब इसराइल ने ये कहा है कि हम गाज़ा जो है पूरी तरीके से मिटा के रख देंगे। लेकिन दोस्तों इस वॉर का एक इकोनॉमिक कारण भी है। इजिप्ट मिलियंस ऑफ डॉलर जो है स्विस कैनाल से कमाता है। स्विस कैनाल यूरोप में लोकेटेड है, ये मिडिल ईस्ट को एशिया को जो है जोड़ती है। अगर गाजा वाला हिस्सा इसराइल कैप्चर कर लेगा तो ये अपनी नई स्विस कैनाल को जो है डेवलप कर पाएगा। दोस्तों अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी देखें, इंडिया और इसराइल के बहुत अच्छे जो है रिलेशन रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दोस्तों रिसेंटली G20 समिट हुई और वहां पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को जो है डेवलप करने की बात करी गई है। लेकिन अगर इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा तो इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेड में भी जो है पड़ेगा। ट्रेड के लिए ये रूट बिल्कुल भी सेफ नहीं होने वाला। इसके अलावा अगर वॉर चलता रहा तो कोई भी देश इस बड़े प्रोजेक्ट में जो है निवेश नहीं करेगा। दोस्तों मैं अब आपके ओपिनियन जो है जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है। आप अपने ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।